नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि किसी भी प्रकार का अगर MP3 प्लेयर आपके पास है और उसको एम्पलीफायर से कनेक्ट करना है, तो किस तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे और कैसे चलाएंगे। तो आज आपको मैं एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। वीडियो में आप बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारे हाथ में आहूजा ADP30R एक ब्रांड का आहूजा कंपनी का एक MP3 प्लेयर है। जैसा कि इसका पावर ऑन है, ये USB प्लेयर है, यहाँ पे पावर ऑन है, एम्पलीफायर का पावर ऑन आपको दिख रहा है। यहाँ पर बॉक्स की तरफ हमारा स्विच जो है कि ऑन है, क्योंकि हम स्पीकर हमने जो कि आहूजा SMS 450 है वो हमने कनेक्ट कर रखा है एम्पलीफायर से, जो कि कॉमन 8 पर है। आपको मैं भी इसका बैक पैनल भी दिखाऊंगा, बैक पैनल में हमने किस तरीके से हमने कनेक्शन किए हैं। क्योंकि MP3 प्लेयर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट दो आउटपुट हमें मिलते हैं, लेकिन एम्पलीफायर में सिर्फ एक ही इनपुट और एक आउटपुट दिया गया है। तो हमें लेफ्ट से चलाना है या राइट से चलाना है, ये चीजें देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। आप चलते हैं बैक पैनल की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे राइट चैनल पे कनेक्ट कर रखा है, ये लेफ्ट चैनल है। तो और एम्पलीफायर के इनपुट में हमने दे रखा है ये ग्रीन कलर की जो हमारी, इसको हम कपलिंग या लूपिंग केबल भी बोलते हैं, जो कि TS के माध्यम से कनेक्ट होती है। अगर आप लेफ्ट चैनल से चलाना चाहते हैं तो लेफ्ट ऑडियो से आप चला सकते हैं, राइट से चलाना है तो आप राइट से चला सकते हैं, दोनों से ये चलेगा। तो ये RCA जैक जो है ये हमें रिकॉर्डिंग के लिए ऑक्स इनपुट काम करती है, और ये जो TS जैक है, ये TS जैक जो है हमारा मेन आउटपुट आता है, वो मेन आउटपुट का काम करता है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये USB प्लेयर है, ये आपको डिस्प्ले मिल जाता है जो कि गाने का है। ये वाला जो वॉल्यूम है ये आपको जो MP3 गाने वो प्ले करने का है, सेकंड वाला जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का लेवल है। यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है जो कि मोनो और स्टीरियो ऑन ऑफ करने के लिए है। मोनो चलाना है कि स्टीरियो चलाना है, इस पर दो काम हो सकते हैं, मोनो रिकॉर्ड भी होता है और स्टीरियो रिकॉर्ड भी होता है और प्ले भी होता है। आहूजा ADP30R आपको ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको USB मिल जाती है। USB अगर हम निकाल देते हैं, सबसे पहले शॉर्ट में आपको एक इसका फंक्शन बता दूं, ये वाला जो बटन है ये आपको रिपीट का काम करता है, ये वाला बटन जो है होल्ड का काम करता है, तीसरा वाला जो बटन है ये प्रीवियस गाना अगर चलाना है तो प्रीवियस गाना चल जाता है। इस गाने से आपको बटन से आपको पॉज और प्ले दोनों काम करता है, इस वाले बटन से आपको नेक्स्ट काम करता है और आगे मोड बटन आ जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पेन ड्राइव लगा करके। पेन ड्राइव लगाने के बाद देख रहे हैं कि लोडिंग होने के बाद तुरंत ये गाना हमारा चलने लगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में गाना हमारा चल रहा हुआ होता है वही गाना पेन ड्राइव लगाते के साथ ही प्ले हो जाता है। होल्डर बटन दबाने के बाद अगर हम देख जाएंगे तो ये हमारा बैक बटन दिखाता है, यहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं, फोल्डर में किसी और फोल्डर में जा सकते हैं। इस रोटरी को हम जितनी बार घुमाएंगे उतने गाने हम गानों पर हम मूव होते हुए चले जाएंगे। अगर ये जो एरो आप एरो बना इस पे हम जाते हैं तो बैक बटन में हम चले जाते हैं, नेक्स्ट गाने पे हमने प्ले कर दिया तो ये गाना हमारा दूसरा गाना चलने लगा। अब इस गाने को हम प्ले करेंगे तो ये वाला गाना चलने लगा। आवाज़ हम थोड़ी सी खोल के दिखाएंगे क्योंकि गाना हमारा कॉपीराइट आ जाएगा, तो बस थोड़ा सा झलक आपको मैं दिखाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो क्योंकि हमें आपको सिर्फ तरीका बताना है कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो MP3 आप गाने प्ले करते हैं, अपने साउंड को प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट गाना हो जाता है। अगर ये बटन दबा देंगे तो ये इसको है पॉज हो जाएगा, फिर से दबा देंगे तो ये प्ले हो जाएगा। मोड बटन दबा देंगे तो सीधे USB में चला जाता है। रोटरी के माध्यम से अगर मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो उसके बाद दूसरा हमारा जो जाता है SD कार्ड पे जाता है, तीसरा हमारा जो जाता है ब्लूटूथ मोड पे जाता है, चौथे नंबर पे हमारा जो है ऑक्स का है, पांचवें नंबर पे सेट कंट्रास्ट का आपको देखने को मिल जाता है, और पांचवें नंबर पे जो आपका आता है वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी ने इस वर्जन पर इसको लास्ट टाइम इस चीज़ को अपडेट करके इसको बनाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपने समझ गए होंगे और समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि हमें किसी भी MP3 प्लेयर को कैसे कनेक्ट करना है। जय हिंद, जय भारत।